एक बार की बात है, एक दयालु किसान था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने गांव में सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में जाना जाता था। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। वह हर दिन खेत में कड़ी मेहनत करता था। सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता रहता। मेरा एक छोटा सा खेत है। ये खेत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेरी आजीविका का मुख्य स्रोत है। मैं सब्जियां और फल उगाता हूँ। मेरे खेत में ताजे टमाटर, खीरे और कई तरह के फल होते हैं, जो गांव के बाजार में बिकते हैं। लेकिन मैं अंगूर उगाना चाहता हूँ। अंगूर उगाना मेरा सपना है, क्योंकि यह मेरे खेत को और भी खास बना देगा। अंगूर खास थे। वे न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि उनकी खेती से अच्छी आमदनी भी होती थी। वो मीठे और रसीले होते थे। उनकी ताजगी और रंगत देखकर हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। गोपाल जानता था कि सभी को ये पसंद आएंगे। वह अपने गांव के लोगों को खुश देखना चाहता था, और अंगूर उगाने का यह सपना उसे बहुत प्रेरित करता था। उसने अपने खेत में एक छोटा सा अंगूर का पौधा लगाया। यह पौधा उसके लिए उम्मीद की किरण था। गोपाल ने अपने अंगूर के पौधे की बहुत देखभाल की। वह उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। वह उसे रोज पानी देता था। हर सुबह और शाम वह पौधे को पानी देने जाता और उसकी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए खाद डालता। वह उसे गाने सुनाता था। गोपाल का मानना था कि संगीत से पौधे खुश होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। वो उससे एक दोस्त की तरह बातें करता था। वह पौधे से अपने दिल की बातें साझा करता और उसे अपने सपनों के बारे में बताता। मैं उस दिन का सपना देखता हूं जब मेरा अंगूर का पौधा मजबूत होगा। यह दिन मेरे लिए बहुत खास होगा। यह मुझे मीठे अंगूर देगा। यह अंगूर न केवल मेरे लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी का कारण बनेंगे। गोपाल को पता था कि यह उसे मीठे अंगूर जरूर देगा। उसकी मेहनत और प्यार का फल उसे जरूर मिलेगा, और वह दिन दूर नहीं जब उसका सपना सच होगा। छोटा सा अंगूर का पौधा हर दिन बड़ा होता गया। यह पौधा गोपाल के बगीचे में था, जिसे उसने अपने हाथों से लगाया था। हर सुबह गोपाल इस पौधे को देखता और उसकी प्रगति पर खुश होता। उसके पतले हरे तने थे। ये तने धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें सहारे की जरूरत थी। गोपाल ने देखा कि पौधे के तने कितने नाजुक थे और उन्हें सहारा देने की आवश्यकता थी। यह नाजुक अंकुरों से ऊपर की ओर बराच रहा था। हर दिन यह पौधा सूरज की ओर बढ़ता और अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता। गोपाल को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसका पौधा इतनी मेहनत कर रहा है। मेरा छोटा पौधा कितनी कोशिश कर रहा है, यह देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। मैं इसे हर संभव मदद देना चाहता हूँ, ताकि यह और भी बड़ा और मजबूत बन सके। गोपाल ने देखा कि उसका छोटा पौधा कितनी कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि अगर पौधे को सही सहारा मिल जाए तो यह और भी तेजी से बढ़ सकता है। गोपाल ने एक मजबूत लकड़ी ढूंढी। यह लकड़ी काफी मजबूत थी और पौधे को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही थी। उसने इसे अपने खेत में ले जाकर पौधे के पास रखा। उसने लकड़ी को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया। यह सुनिश्चित किया कि लकड़ी अच्छी तरह से जमीन में धंसी हो, ताकि पौधा उस पर चढ़ सके। अब अंगूर के पौधे को सहारा मिल गया था। गोपाल ने पौधे को धीरे धीरे लकड़ी के चारों ओर लपेटा, ताकि वह सही दिशा में बढ़ सके। यह चरा सकता था और मजबूत बन सकता था। गोपाल खुश था। उसने महसूस किया कि सही समय पर सही मदद से पौधा और भी तेजी से बढ़ सकता है। वह जानता था कि उसका पौधा बड़ा और मजबूत होगा। गोपाल ने पौधे की देखभाल जारी रखी। उसे पानी देता और उसकी प्रगति पर नजर रखता। वह इसे पानी देता रहा। हर दिन वह पौधे को पर्याप्त पानी देता, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सके और वह तेजी से बढ़ सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि पौधे को पर्याप्त धूप मिले। गोपाल जानता था कि धूप पौधे के लिए बहुत जरूरी है, और इससे पौधा और भी मजबूत बनेगा। सूरज खिलखिला रहा था। यह एक नया दिन था और अंगूर के खेतों में जीवन की हलचल थी। सूरज की किरणें अंगूर के पत्तों पर चमक रही थीं, जैसे कि वे सोने की तरह चमक रहे हों। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। हर बूंद पौधों को ताजगी और जीवन दे रही थी। यह बारिश अंगूर के पौधों के लिए वरदान थी, जो उन्हें और भी मजबूत बना रही थी। छोटा अंगूर का पौधा मजबूत होता गया। उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो रही थीं, और उसकी शाखाएं हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थीं। वह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, उसकी शाखाएं और भी फैलती गईं, और वह और भी ऊंचाई पर पहुंच गया।
उसके पत्ते गर्म धूप में फैल गए। धूप की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे एक सुंदर दृश्य बन रहा था। गोपाल ने गर्व से अपने अंगूर के पौधे को देखा। उसने अपने मेहनत और समर्पण का फल देखा और उसे गर्व महसूस हुआ। उसे फलते फूलते देखकर खुशी हुई। हर अंगूर का गुच्छा उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था। मुझे अपने पौधे की रक्षा करनी चाहिए। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें सुरक्षित रखूं और इन्हें बढ़ने में मदद करूं। गोपाल जानता था कि उसे अपने पौधे की रक्षा करनी है। उसने हर दिन अपने पौधों की देखभाल की, उन्हें पानी दिया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उसने इसके चारों ओर एक छोटी सी बाड़ बनाई। यह बाड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए थी, ताकि कोई जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। बाड़ भूखे जानवरों को दूर रखेगी। यह पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी, जो उन्हें हर खतरे से बचा रही थी। दिन ब दिन अंगूर का पौधा बड़ा होता गया। हर दिन वह और भी मजबूत और हरा भरा हो रहा था। उसकी शाखाएं चौड़ी हरी पत्तियों से ढकी हुई थीं। हर पत्ती में जीवन की ऊर्जा थी और हर शाखा में नई उम्मीदें। हरे अंगूरों के छोटे छोटे गुच्छे दिखाई देने लगे थे। यह गोपाल के लिए एक नई शुरुआत थी और उसने अपने पौधों के साथ एक नई यात्रा शुरू की थी। गर्मी आ गई। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। जमीन सूखी और प्यासी हो गई। मेरे पौधों को पानी चाहिए। गोपाल जानता था कि उसके पौधों को पानी की जरूरत है। गोपाल नदी तक बहुत दूर तक चला। वह अपने खेत में पानी की बाल्टियां ढूंढ कर लाया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके अंगूर के पौधे को पर्याप्त पानी मिले। वह इसे चिलचिलाती धूप से बचाना चाहता था। अंगूर के पौधे ने गोपाल का प्यार महसूस किया। वह ठंडे पानी के लिए आभारी था। छोटे छोटे अंगूर बड़े होने लगे। भाग 5। ठंडी बारिश। फिर बारिश का मौसम आ गया। दिन रात बारिश होती रही। खेत कीचड़ भरा और फिसलन भरा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पौधों को मेरी जरूरत है। गोपाल ने अपना काम जारी रखा। उसने अपने अंगूर के पौधे के तने को सूखे पत्तों से ढंक दिया। यह जड़ों को बहुत अधिक पानी से बचाता था। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि पानी निकल जाए। अंगूर का पौधा गोपाल की देखभाल के लिए आभारी था। यह लंबा और मजबूत खड़ा था। मैं खुश था। मुझे पता था कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। भाग 6। भोजन का उपहार। अंत में लंबा इंतजार खत्म हुआ। अंगूर पक चुके थे। वे बेल पर भारी लटक रहे थे। अंगूर एक सुंदर बैंगनी रंग के थे। वे कितने रसीले और स्वादिष्ट लग रहे थे। गोपाल ने सावधानी से अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ा। उसने एक चखा। यह अब तक का सबसे मीठा, सबसे रसीला अंगूर था। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी सारी मेहनत रंग लाई थी। मेरे छोटे से अंगूर के पौधे ने मुझे सबसे स्वादिष्ट उपहार दिया था। इसने गोपाल को अंगूरों के कई गुच्छे दिए। अंगूर की बेल स्वस्थ और मजबूत। भाग 7। भरपूर फसल। मेरे पास खाने के लिए जितने अंगूर थे, उससे कहीं ज्यादा थे। मैं बहुत खुश था। उसने उस पैसे से नए औजार और बीज खरीदे। उन सभी को मीठे रसीले अंगूर बहुत पसंद आए। गोपाल ने अपनी खुशी सबके साथ बांटने का फैसला किया। मैं और फल और सब्जियां उगाने के लिए उत्साहित। भाग 8। साझा करना ही देखभाल है। गोपाल अपने खेत में कड़ी मेहनत करता रहा। उसने प्यार और लगन से अपने पौधों की देखभाल की। वह हमेशा अपनी फसल दूसरों के साथ बांटकर खुश होता था। मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कड़ी मेहनत और धैर्य हमेशा फलदायी होता है, और अपना आशीर्वाद दूसरों के साथ बांटने से ही हमें सच्ची खुशी मिलती है। गोपाल मुस्कुराया, यह जानकर कि उसके प्रयासों ने दूसरों को खुशी दी है।